अभी दूसरा जो बहुत बीमारी है सबको, केश गलना। आपको केश अगर गिर रहे हैं, बाल बहुत टूट रहे हैं, तो आपको क्या उपाय करना है, क्या इलाज करना है उसका? पहले इलाज आपको ये करना है कि सबसे पहले शैंपू वापरना बंद। शैंपू, शैंपू कौन सा? जिसका जाहिरात टीवी में आता है। बहुत सारे शैंपू का जाहिरात टीवी में आता है। क्लीन प्लस एक शैंपू है जिसका रोज जाहिरात आता है। फिर दूसरा नाइल एक शैंपू है, उसका जाहिरात आता है। फिर उसके बाद गोदरेज के बहुत सारे शैंपू, हिंदुस्तान लीवर के बहुत सारे शैंपू, ये सभी शैंपू जिनका जाहिरात टीवी करता है, ये आप वापरते हैं, केश गलना इसी से जास्ती होता है। आप बोलेंगे क्या कारण बताइए? आपने शैंपू बनते हुए देखा कभी? नहीं। तो आप वापरते क्यों? आपको माहिती है शैंपू बनाने में कौन सी वस्तु लगती है? कोई भी काई को माहिती है? नहीं। तो मैं बताता हूँ, लिख लो आप। शैंपू बनता है जिस केमिकल से, उसका नाम लिखो। शैंपू जिस केमिकल से बनता है, जिस रसायन से शैंपू बनता है, उसका नाम लिखो। लिखेंगे बोलो। जो भी विद्यार्थी या सगळ्यांनी पुढे जरा सगळ्यांनी पुढे जरा पाठीमागच्या मुली जरा पुढे जरा आत्ता आलेल्या शाळेच्या मुली पुढे लॉरेन सन। ये केमिकल जो है ना बहुत खतरनाक जहर है, विष। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं। एक बार मैंने परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला में, पहले वैज्ञानिक था, प्रयोगशाला में काम करता है, तो शैंपू बनाने वाला जो केमिकल है ना सोडियम लॉरेन सल्फेट, ये मैंने एक इंजेक्शन से ले लिया। इंजेक्शन आसान, इंजेक्शन में ले लिया, और चूहा होता ना चूहा ऊनर, उसको इंजेक्शन लगा ये देखने के लिए कि ये जो केमिकल है ये विष है या अमृत है, अच्छा है या खराब। तो जब ऊंदर को मैंने इंजेक्शन लगा दिया तो 15 से 17 मिनट के बाद ऊंदर मर गया। तब मुझे पता चला कि ये इंजेक्शन में थोड़ा सा केमिकल लेके ऊंदर को लगा दिया, वो मर गया। फिर मैंने मेरे सीनियर साइंटिस्ट को पूछा कि ऊंदर मर गया? तो मैंने कहा तुम अपने को लगा दो, तुम भी मर जाओ। हाँ, मेरे सीनियर साइंटिस्ट थे जो मेरे गुरु जैसे थे, उन्होंने कहा कि तुम खुद लगा दो ये इंजेक्शन, तुम भी मर जाओगे। मैं पूरा कैसे मर जाऊंगा? तो उन्होंने कहा ये विष है, सोडियम लॉरेंस सल्फेट, और यही सोडियम लॉरेंस सल्फेट से शैंपू बनता है। अब वो शैंपू आप बाल में लगाते हैं तो बाल आपके गुच्छे से गुच्छे टूट के नीचे आते। कोई भी शैंपू से बाल धोएंगे ना, खूब बाल टूटेंगे, क्योंकि ये सोडियम लॉरेंस सल्फेट क्या करता है, जब आप घिसते हैं ना तो बालों की जड़ को एकदम कमजोर करते हैं, तो बाल टूट के सब नीचे आते। ये केमिकल का अगर तुलना करना हो तो इसके बराबर एक दूसरा केमिकल है जिसका नाम है यूरिया। यूरिया माने रासायनिक खत, यूरिया है ना। यूरिया को पानी में डाल दो, फिर वो गल जाएगा, फिर उस पानी से बाल धो दो, सब बाल एक साथ टूट के आएंगे। एक ही बार में सिर्फ कटवा, एक ही बार। यूरिया में इतना ही विष है जितना सोडियम लॉरेंस सल्फेट में है, बस थोड़ा अंतर है। यूरिया एक बार में टकला करेगा और ये सोडियम लॉरेंस सल्फेट थोड़े दिन बाद करेगा। आपको माहिती है आपके जो बाल हैं ये हर दिवस 1000 से जास्ती निकलते हैं। भगवान ने ये व्यवस्था बनाई, आपका जो सिर है ना इस पर रोज 1000 नए बाल आते हैं। रोज एक 24 तास में जब आप सोकर दूसरे दिन उठते हैं, एक तास शुरू करके अगले एक तास, मैंने एक दिवस पूरा हो जाए, 1000 नए बाल आते हैं। तो भगवान ने बाल जास्ती देने के लिए एक व्यवस्था बनाई है। अपने सिर में एक केमिकल है, उसका नाम है मेलानिन। ये केमिकल बाल को सिर के बाहर निकालने वाला केमिकल है, माने बाल जो बढ़ते हैं वो इस केमिकल के कारण बढ़ते हैं। ये केमिकल छोटे बच्चों में नहीं होता, जो एक दिन के बच्चे होते हैं ना, 2 दिन के 3 दिन के 3 महीने 3 साल तक ये केमिकल बच्चों में जाती नहीं है, इसलिए उनके बाल जाती नहीं आते।
उसके बाद ये केमिकल बनना शुरू होता है और 60-70 वर्ष की उम्र तक बनता है, फिर उसके बाद कम होना शुरू होता है। तो 60-70 वर्ष तक बाल बढ़ते हैं, उसके बाद घटना शुरू होता है। ये सब काम मेलानिन नाम के केमिकल के कारण होता है। अब ये जो शैम्पू है वो क्या करता है, ये मेलानिन का भी नुकसान करता है। तो जितना जाती आप शैम्पू वापस करेंगे, मेलानिन उतना कम हो जाएगा, मेलानिन जितना कम होगा बाल उतने कम होंगे। तो क्या करना, शैम्पू वापरना नहीं, तो शैम्पू वापरना बंद। केश गलने की समस्या जो भी ताई और आई को है, उनको शैम्पू वापरना नहीं। अब क्या वापरना, छीका राई। छीका राई अपने घर में, रीठा, रीठा जानते, रीठा को क्या कहते हैं मराठी, रीठा। तो एक तो छीका राई है, दूसरा रीठा है, और एक है आंवला। सुना है, ये तीनों खरीदना, रीठा, छीका राई, आंवला, तीनों खरीदना है। और इसका अनुपात बनाना, कैसा अनुपात बनाना, एक भाग आंवला, दो भाग रीठा, तीन भाग छीका राई, ऐसे खरीदना। एक भाग का माने 100 ग्राम आंवला, 200 ग्राम रीठा, 300 ग्राम छीका राई, ये तीनों खरीदना है। धूप में सुखाना और 8-10 दिन सुखाना, खूब अच्छे से सुखाना, फिर उसको कूटना, पाउडर बनाना, पीसना। पीसने के बाद वो पाउडर को बाटली में भर के रखना। फिर आपको जब बाल धोने का है तो ये इसमें से एक चम्मच पाउडर लेना, एक गिलास गर्म पानी में रात्रि को डालना, सकाळी वो पानी से बाल धोना। ये तरीके से आपको बाल धोना, जीवन पर्यंत आपको कभी भी केश गलने का समस्या नहीं आएगी। क्या क्या करना, आंवला, दूसरा नहीं रीठा, फिर तीसरा छीका राई। आंवला कितना, एक भाग माने 100 ग्राम, रीठा कितना 100 ग्राम, रीठा और छीका राई कितना 300 ग्राम। तीनों बाजार में मिलता है, पंचकारी की दुकान पर मिलता है, किराने की दुकान में मिलता है। खरीद के सुखाना, धूप में करने 10-15 दिन, जब ये खूब सूख जाएगा फिर इसको पीसना, कूटना, और पीस लेंगे फिर बाटली में भर के रखना, ठीक है। अब यही आपका शैम्पू है, रोज एक चम्मच इसमें से लेना, एक गिलास गर्म पानी में रात्रि को भिगो देना, सकाळे उठकर उस पानी से बाल धोना, तो केश गलने की समस्या बनेगी, ठीक है। और एक छोटी सी बात, केश गलने का सबसे बड़ा कारण है शैम्पू, उसका तो समाधान हो गया, शैम्पू वापरना बंद, रीठा आंवला छीका राई से बाल धोना शुरू। केश गलने का और एक कारण है, और दूसरा एक कारण, किसी भी आयु और ताई को केश का बहुत गलते हैं जब उसके शरीर में एक केमिकल की बहुत कमी आती है, उस केमिकल का नाम है कैल्शियम। जो भी आयु और ताई को शरीर में कैल्शियम की कमी आएगी तो केश बहुत गलेंगे, ठीक है। ये बात लिख लो आप, सभी को माहिती होनी चाहिए। एक माहिती हुई कि हम शैम्पू वापरेंगे तो केश गलेंगे, दूसरी अब माहिती है जब शरीर को कैल्शियम नाम का केमिकल बहुत कम होगा तब भी केश गलेगा। अब क्या करना, कैल्शियम की पूर्ति करना, कैल्शियम अगर कमी है तो कैल्शियम की पूर्ति करना। अब आप पूछो कैल्शियम किसमें है, ऐसी वस्तु खाना जिसमें भरपूर कैल्शियम, तो सबसे जास्ती कैल्शियम है गाय के दूध में, गाय का दूध, मछी में नहीं, गाय के दूध, मछी का भी दूध है ना, उसमें कैल्शियम जास्ती नहीं है, जास्ती नहीं, सबसे जास्ती कैल्शियम है गाय के दूध में। और सबसे जास्ती किस गाय के दूध में, देशी, और देशी गाय में सबसे ज्यादा किसमें, किल्ला गाय, किल्ला गाय देखिए जिसका दूध कम है उसमें कैल्शियम सबसे जास्ती, तो किल्ला गाय का दूध पीना रोज, भरपूर कैल्शियम होता है। तो बाल गिरना, बाल गिरना कम है। और एक दूसरी चीज बताता हूं, और किसमें कैल्शियम है, गाय के दूध से बनाए हुए दही में दूध से भी जास्ती कैल्शियम, गाय का दूध है ना उसमें समझ लो 1 ग्राम कैल्शियम है, 1 ग्लास दूध में, तो उसी 1 ग्लास दूध को दही बना देंगे तो कैल्शियम 10 तक बढ़ जाता है। तो देशी गाय के दूध का दही खाएं तो कैल्शियम उसमें बढ़ता है, दही खाए, और दही से भी 10 तक जास्ती कैल्शियम है ताक में, ताक है ना, तो ताक कीजिए, ताक से भी 10% जास्ती कैल्शियम है तूप में। अच्छा, ताक
और चूक के बीच में और एक चीज होती है लोनी, तो ताक के बाद लोनी में लोनी से दस पर जाती कूट। इसका माने ये है जो भी आई और ताई को पेश कर रहे हैं वो गाय के दूध का तूप खाए, जाती तूप खाइए पेश करना बंद है, कैल्शियम की पूर्ति। अब तूप नहीं खा सकते तो लोनी खाइए, लोनी नहीं खा सकते ताक पीजिए, ताक नहीं खा सकते दही पीजिए, दही नहीं खा सकते दूध पीजिए, लेकिन इलाज गाय का मशीन का नहीं, ठीक है। अच्छा और कुछ माहिती देता, और किस किस चीज में कैल्शियम है? केला, बिल्कुल सही, केले में भरपूर कैल्शियम, तो केला खाइए। और कैल्शियम किसमें है? आंवला, आंवला देखा, आंवला खाइए। कोई भी ताई और आई रोज दो आंवले खाए इसका पेट गलना बंद होगा, रोज दो आंवले रोज कैसे खाना, चटनी बना के खाओ, आंवले का अचार बना लो, आंवले का मुरब्बा बना लो, आंवले की चटनी बना लो, कैसे भी खाना दो आंवला रोज। जो ताई को पेट बहुत गलते हैं बिल्कुल बंद हो जाए आंवला खाना, आंवले में बहुत कैल्शियम। और कैल्शियम किसमें है? दाढ़ी में, दाढ़ी का रस पीना बहुत कैल्शियम है। और कैल्शियम किसमें है? पपैया, पपैया क्या करते हैं? उसमें बहुत कैल्शियम। और कैल्शियम किसमें है? द्राक्षी, बहुत कैल्शियम है द्राक्षी। मनुका, भरपूर कैल्शियम है उसमें। बादाम, बहुत कैल्शियम है उसमें। मूंग की दाल, बहुत कैल्शियम है मूंग की दाल, मूंग की दाल है बहुत कैल्शियम। मसूर की दाल में बहुत कैल्शियम है। हरे पाले की, हरे पत्ते की भाजी, पालक, मेथी, चवली, भरपूर कैल्शियम। और गाजर है, गाजर जली, उसमें बहुत कैल्शियम है। मूली में बहुत कैल्शियम है, मूला में बहुत कैल्शियम। ये सब कैल्शियम की चीजें हैं, इनको आप भरपूर खाएं। और एक आखिरी माहिती, सबसे सस्ती और सबसे जास्ती कैल्शियम जिस चीज में है वो है चूना। चूना पान में चूना खाते हैं, बस वो ही आप खाइए। जो भी आई और ताई को भूख नहीं है, दही नहीं है, ताक नहीं है, लोनी नहीं है, कुछ नहीं है, गरीबी है, फिर भी कैल्शियम तो चाहिए, तो सबसे सस्ता है चूना। पान में खाते हैं वो ही चूना खाना, कैसे खाना? पान में खाना, नहीं तो दाल में डाल के खाना, बरन में बनाते समय थोड़ा चूना डालना, नहीं तो ताक में मिला के, नहीं तो दही में मिला के, नहीं तो जूस में मिला के चूना। तो चूना माने कैल्शियम, कैल्शियम की पूर्ति जैसे होगी बाल बहुत मजबूत होगा, बाल गलना बिल्कुल बंद, ठीक है। अब दो माहिती हो गई, पहली माहिती हुई शैंपू वापरना नहीं तो बाल गलना कम, रीका शीका का या आंवला। अगर बाल गल रहे हैं, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं तो उसके तीन कारण हैं। पहला मैंने बताया शैंपू वापर, ये बंद कर देंगे बाल गलना कम हो जाएंगे, रीठा शीका का या आंवले से बाल धोना। दूसरा कैल्शियम की पूर्ति करना ताकि शरीर कैल्शियम की पूर्ति वाला हो जाए तो बाल गलना कम हो जाएंगे, गिरना बंद हो जाए। तीसरी और आखिरी माहिती, किसी भी ताई और आई को अगर शरीर में रक्त की कमी होगी तो भी बाल गिरेंगे, रक्त की कमी। डॉक्टर लोग कहते हैं एनीमिया, एनीमिया एक रोग है जिसमें रक्त की कमी होती है, रक्त की कमी अगर शरीर में है तो बाल जरूर गलने वाले हैं। रक्त की सबसे जास्ती बढ़त शरीर में जो वस्तुओं से होती, आड़ू का रस पिएंगे रक्त की कमी दूर। दूसरी वस्तु है जिससे रक्त की कमी दूर होती है मनुका, रोज मनुका खाएंगे रक्त की कमी दूर होता है। और रक्त की कमी दूर करने वाली एक वस्तु है हमारे घर में केला, और रक्त की कमी दूर करने वाली एक वस्तु है पपई, और रक्त की कमी दूर करने वाली वस्तु है द्राक्ष, रक्त की कमी दूर करने वाली और एक वस्तु है मूंग की दाल, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई, मसूर की दाल। और रक्त की कमी दूर करने वाली एक बहुत अच्छी वस्तु है शेंग दाना, शेंग दाना। और रक्त की कमी दूर करने वाली एक वस्तु है फुटाने, और रक्त की कमी दूर करने वाली सबसे अच्छी और सबसे सस्ती वस्तु है गुड़, गुड़ तो गाजर चढ़ा के खाना, रक्त की कमी तुरंत दूर होती है। तो रक्त की कमी दूर कर लो, तेल गलना बंद हो जाएगा।
कैल्शियम की पूर्ति शरीर में हो जाए तो केश गलना बंद हो जाएंगे, और आखिरी माइटी शैंपू वापरना बंद हो जाए तो केश गलना बंद हो जाए, तो केश गलने की समस्या का समाधान ये हो गया। समझ में आया? आया? नहीं आया तो पूछ लो। अभी दो समस्याओं का समाधान हुआ, एक तो डोके दुखना और एक केश गलना, दोनों के बारे में अगर कुछ पूछना है तो पूछो। मराठी में पूछो। हाँ, भाजी पालक जिसको आप कहते हैं, हरे पत्ते वाला, सब में फॉलिक एसिड, सब में विटामिन बी। हाँ, अभी थोड़ी देर में बात करें, पहले जो बात हो गई इसमें प्रश्न करोगे, प्रश्न करेंगे तो मुझे पता चलेगा आपको समझ में आया या नहीं आया। इनका सवाल एक तरह से माहिती है, इनकी ये माहिती है कि हम कैल्शियम को शरीर में धारण कर सकें इसके लिए और एक केमिकल की जरूरत है जिसको विटामिन B12 के रूप में जानते हैं, वो बिल्कुल सही। अब ये विटामिन B12 कहाँ से आता है, ये भी फॉलिक एसिड का बाई प्रोडक्ट है। फॉलिक एसिड कहाँ? टैबलेट्स। इनका ये प्रश्न है कि डॉक्टर कहते हैं कैल्शियम बढ़ाना, फॉलिक एसिड बढ़ाना, विटामिन शरीर में बढ़ाना, तो गोलियां लेते हैं, उन गोलियों को खाइए ऐसा डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि गोले बनाने वाली कंपनी से कमीशन है, उनको कमीशन मिलता है, तो जाति गोली बिकेगी जाति कमीशन, तो जाति डॉक्टर करोड़पति, ऐसा है। तो इसलिए मैं कभी भी किसी को कहता हूँ कि कैल्शियम बढ़ाने के लिए गोली मत खाना, फॉलिक एसिड बढ़ाने के लिए गोली मत खाना, विटामिन बढ़ाने के लिए गोली मत खाना, भगवान का दिया हुआ जो कैल्शियम विटामिन हमारे पास है वो खाना। भगवान ने कितना दिया है? भाजी पाला सब में कैल्शियम है, सब में फॉलिक एसिड है, सब में विटामिन है, वो ही जाके खाना। दूध में सबसे ज्यादा, दही में, ताक में, लोही में, तूप में भरपूर है, तो इसका ही सदुपयोग करना, गोली मत खाना, क्योंकि गोली खाने का कुछ लाभ होता भी नहीं है, पैसे जाते हैं लाभ उतना होता नहीं। हाँ, अभी एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अभी पहला प्रश्न ये लेते हैं, पांडरे केश, पांडरे केश क्यों होते हैं? किसी ने पूछा ना बच्चों को पांडरे केश क्यों होते हैं? किसी ने पूछा? आप ने पूछा। पांडरे केश होने का कारण जान लीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक नाम बोला था जिसका याद होगा आपको, मेलानिन। ये केमिकल है जो हमारे रक्त में होता है, ठीक है। जब ये रक्त में जास्ती होता है मेलानिन, तो बाल एकदम काले होते हैं, एकदम काले। जब ये रक्त में मेलानिन कमी होता है तो बाल सफेद होना शुरू होते हैं, पांडर केश होता है। अब ये मेलानिन ज्यादा कमी होता है, कम कमी होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के परिवार में बहुत लंबे समय तक कुछ बीमारी आ गई, भाई को या बड़ी को पांडर केश बहुत जल्दी हुए तो उनके बच्चों को भी होगा। मेरा वैसा ही किस्सा है, मेरे बहन को 30 वर्ष की उम्र में पांडरे केश हो, मुझे भी अभी पांडरे केश हो गए, मुझे कोई बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, लेकिन ये जो बीमारी है इसको कहते हैं DNA प्रॉब्लम। हमारे शरीर में एक एसिड है जिसको DNA कहते हैं, और ये आई बॉडी से ही आता है। तो जिनके आई बॉडी को ये त्रास है पांडरे केश होने का, उनके बच्चों को होगा, उसके लिए दुनिया में कोई औषध काम नहीं करती, जो है वो है, औषध उसके लिए नहीं, बाकी सबके लिए औषध है। अगर आपको जाती समय बीमारी हुई है और पांडरे केश है, इसकी औषध है। आपके शरीर में मेलानिन कम हो गया किसी कारण से, उसकी औषध है। तो आप एक बात को छोड़कर कि आई बड़ी को अगर ये त्रास था, जल्दी पांडरे केश हुए, तब तो आप सोचना बंद कर दो, आपको भी होंगे, लेकिन अगर आई बड़ी को ये त्रास नहीं है और आपको ये आ गया, तो इसकी सबसे अच्छी औषध है मेलानिन बढ़ाइए शरीर में। मेलानिन बढ़ाने की सबसे अच्छी भारत में जो औषध है उसका नाम है आंवला, आंवला खाइए। तो आप पहले क्या करेंगे, पांडरे केश नहीं चाहिए तो भरपूर आंवला खाइए। कैसे खाएंगे? तरीका मैंने बता दिया, दो आंवले रोज खाना, कच्चा खा लो बहुत अच्छा, चटनी बना के खा लो बहुत अच्छा, आंवले का अचार खा लो, मुरब्बा खा लो, जैसे भी खाना दो आंवले रोज खाना, तो केश पांडरे नहीं होंगे, सफेद बाल नहीं होंगे, और जो हो गए हैं वो अपने आप जले जाएंगे और उनकी जगह काले बाल आ जाएंगे, ठीक है। समाधान हुआ, पांडरे केश का समाधान हो गया। और पांडरे केश नहीं चाहिए
तो दूसरा और उपाय है, एक तो ये कि आंवला खाना, दूसरा उपाय है हरे पत्ते की भाजी खाते रहिए तो मैदा भरपूर रहेगा। पालक है, मैगी है, सब्जी है, पत्ता गोभी है, ये सब हरे पत्ते की भाजी खाते रहिए। अब आगे चलते पांडे केस का समाधान हो गया, केस चलने का समाधान हो गया, धोखे रुकने का समाधान। अभी ये ताली ने पूछा कि मेहंदी लगाते हैं वो अच्छा, ठीक है, यही प्रश्न है ना। तो मेहंदी कहाँ से आती है, पेड़ से आती है, मेहंदी का पेड़ देखा है आपने, बस तो जो पेड़ से आई हुई मेहंदी है उसको अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन बाजार से लाई हुई मेहंदी है उसको लगाई गई तो बहुत खराब। बाजार से लाई हुई मेहंदी की समस्या क्या है, उसमें कुछ केमिकल मिलाते हैं और पेड़ से आई हुई मेहंदी में कुछ मिलावट नहीं है, वो शुद्ध है। तो आपको मेहंदी लगानी है तो पेड़ से तोड़कर लाएंगे, उसकी चटनी बनाएंगे, वो बाद में लगाएंगे। ये तारीखा और एक अच्छा प्रश्न, बाजार में जो मेहंदी आती है ना उसमें बहुत कुछ मिलाते हैं, आंवला है, ये शीताकारी है, रीठा है। अगर आपको खातरी है, मानी गारंटी है कि वो आंवला ही उसमें मिलाया है तो ले लीजिए, मुझे गारंटी नहीं, क्योंकि बाजार वाले आंवला बोलकर उसमें बहुत कुछ ऐसा मिला देते हैं जो आंवला नहीं है। तो मेरा आपको एक सजेशन है कि कच्चे पेड़ से मेहंदी पे तोड़िए, आंवला आपके घर में है उसको आप खुद मिला लीजिए, आंवला है ना पाउडर बनाने के लिए, तो आपकी जो मेहंदी तैयार होगी वो बहुत अच्छी। मेहंदी जो है आयुर्वेद में औषध है और ये औषध सिर के बाल की सबसे अच्छी औषध है। मेहंदी करती क्या है, मेहंदी में कुछ केमिकल है जैसे कैल्शियम भरपूर है, आयरन उसमें भरपूर है, तो बाल में लगाओ तो यहाँ कैल्शियम की पूर्ति त्वचा के ऊपरी हिस्से में जाती होने से बाल बहुत मजबूत कर देती है मेहंदी, और थोड़ा उसमें मेलानिन बढ़ाने की भी कैपेसिटी है तो बाल काले भी हो जाते हैं। और मेहंदी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो ठंडा रखती है, मेहंदी जो है ना बहुत ठंडी है और ये धोखा है ना सिर ये बहुत गर्म है, हाथ रखते देखो बहुत गर्म है, ये हमेशा ठंडा रहना चाहिए, इसलिए मेहंदी लगाना बहुत अच्छा है। आप लगाइए, कभी लगाए सप्ताह में एक दिन, जाती है अठवाड़िया तुम एक दिन बस जाती, जाती लगाएंगे तो ज्यादा ठंडा हो जाएगा और ये ज्यादा ठंडा होना तो और एक समस्या आएगी, इसलिए ये जाती ठंडा भी नहीं होना चाहिए, गर्म भी नहीं रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो सप्ताह में एक दिन आप मेहंदी लगा सकते हैं, ठीक है, समाधान हुआ, आगे बढ़े चलो। अब जी जी चलो दो प्रश्न आ गए इनका समाधान करो। पहला प्रश्न आपने पूछा तेल कौन सा लगा, बाल में तेल लगाना अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कारण क्या है, अगर बाल सूखे हैं तो ज्यादा झड़ेंगे, सूखेंगे बहुत, इसलिए तेल की आवश्यकता बहुत है बाल को। अब आप ये पूछे कौन सा तेल लगा, बाल के लिए सबसे अच्छा तेल है नारियल का, खोपरे का तेल सबसे अच्छा। लेकिन खोपरे का कौन सा तेल, खोपरे का दो तेल आता है, एक बाजार में आता पैराशूट, वो खोपरे का तेल नहीं, वो खोपरे के तेल का खुशबू है, खोपरे का तेल नहीं, वो क्या है लिक्विड पैराफिन नाम का एक केमिकल है जिसमें खोपरे के तेल का एसेंस डाल के वो बेचते हैं, वो खोपरे का तेल नहीं। तो आप बोलेंगे खोपरे का तेल कहाँ मिलता, बाजार में मिलता खुला हुआ मिलता, खोपरे वाला भी वैसा ही है पैराफिन, आप पैकेट वाला मत लाओ, बाजार में जाओ किराने की दुकान से उसके बाद खोपरे का तेल दो तो देगा, डब्बे में लेके आओ बाटली में लेके आओ, अपना बाजार से शुद्ध खोपरे का तेल ले गया, और शुद्ध तेल थोड़ा महंगा है, 60-70 रुपए किलो आएगा, कभी कभी 90 रुपए किलो भी उसका भाव हो जाएगा। तो अच्छा तेल खोपरे का है बाल के लिए। और एक अच्छा तेल है, नहीं मिले खोपरे का तेल तो एक दूसरा तेल है तिल का तेल, तिल तिल का तेल तो समझते हैं आपको, और तिल में दो तरह का तेल आता है, एक काले तिल का तेल और एक सफेद तिल का तेल, जो काले तिल का तेल है वो सबसे अच्छा है, ना मिले तो सफेद तिल का तेल भी ले सकते हैं, तो तिल का तेल ले सकते हैं, पहले लेना खोपरे का, ना मिले तो तिल का। और एक तेल है जो बालों के लिए बहुत अच्छा है, बादाम का तेल, बादाम, बादाम लेना
ये थोड़ा महंगा है, क्योंकि बाजार में ही 200-250 रुपए किलो है, तो तेल तो उसका और भी महंगा है, लेकिन जिनके पास थोड़े पैसे हैं वो जरूर इसको वापस सकते हैं बादाम का तेल। और एक आखिरी तेल जो फिर में वापस सकते हैं उसका नाम है जैतून का तेल। जैतून एक झाड़ होता है, जैतून उसका नाम है, अंग्रेजी में ऑलिव कहते हैं, उसका तेल भी बाजार में है, वो भी बाल के लिए बहुत। लेकिन प्रश्न वही है, जैतून बहुत महंगा है और बादाम उससे भी ज्यादा महंगा है, ये दो तो महंगे हैं, लेकिन तिल का तेल सस्ता है और खोपरे का तेल सस्ता है, तो खोपरा और तिल का तो कोई भी वापस सकते हैं, जैतून और बादाम का जिसके पास पैसे हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तेल तो जरूर लगाना, बाल को बिना तेल के रहेंगे तो खराब। अभी आप ये पूछेंगे कभी लगाना तेल, तो हमेशा तेल रात्रि को लगाना, दिवस में नहीं, कभी भी नहीं, तेल हमेशा रात्रि को लगाना और सोने से पहले लगाना। जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो तेल की मालिश करके तब सोना, और सकाळी उठने के बाद आप उसको रीठा की कटाई से धोना। कभी भी तेल दिन में नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? तेल जो है ना आप लगाते हैं उससे ज्यादा उसकी मालिश होनी चाहिए। मालिश होने से क्या होता है ना, कफ की कमी होती है शरीर में, और रात को शरीर में कफ ज्यादा होता है, तो आयुर्वेद ये कहता है कि जब कफ ज्यादा है उस समय सिर की मालिश करो तो कफ कम हो जाए, तो ये अच्छी आती है। शरीर का तापमान संतुलित रहता है, शरीर का विकास और ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है, इसलिए रात्रि को तेल लगाना सबसे अच्छा है, बच्चों को भी बड़ों को। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने कोई प्रश्न पूछा था, मैं भूल गया था, क्या पूछा आपने? डैंड्रफ। हाँ, अभी डैंड्रफ का क्या करना? तो डैंड्रफ के लिए शैंपू तो लगाना नहीं, क्योंकि बात खत्म हो गई है, शैंपू तो वापरना ही नहीं, तो डैंड्रफ जिनको है उनको क्या करना चाहिए? इसके लिए बहुत अच्छी औषधि है, इसमें बात करना, लींबू का रस लींबू काटिए, रस निकालिए, एक कटोरी में या बाटी में रस निकालिए, फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए, गुड़ नहीं है तो शक्कर मिला दीजिए, शक्कर नींबू के रस में शक्कर मिलाना। अब कितनी मिलाना? 4 नींबू का रस निकाला तो 1 चम्मच शक्कर मिला दीजिए। इसको मिलाने में देर लगती है, धीरे 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 उसको घोलते। अभी नींबू के रस में शक्कर मिला के जो घोल तैयार हुआ ये बाल की जड़ में लगाना। ठीक है, लगाने के 1 तास नंतर बाल को धोना, सादा पानी से बाल धोना, तो आपका सारा डैंड्रफ समाप्त है। जी कितने की लगा? सप्ताह में 1 दिन बस, हमेशा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब डैंड्रफ बंद हो गया तो लगाना बंद कर देना। समाधान हुआ, आगे चले, अब आगे चलते हैं। और कोई प्रश्न है? क्या बोलेंगे? गोलियां देते हैं किसके लिए? वो गोली भी गोली है, फॉलिक एसिड की गोली है, विटामिन डी की गोली है, तो आप वो गोली खाएंगे, बहुत अच्छा है, लाभ उसका जाती नहीं है, उससे अच्छा दूध पी लो, गोली का जितना पैसा है ना उतने पैसे का दूध पी लो, दही खा लो, साग पी लो, चूना खा लो, लाभ है, एलोवेरा बहुत अच्छा। अब देखिए ये आई का सवाल कर दिया तो बहुत अच्छा होगा, एलोवेरा अगर आपके घर में है, एलोवेरा पढ़ते हैं ग्वार कोरपट, हिंदी में ग्वारपाठा, मराठी में कोरपट, ये घर में है तो ये बालों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें भरपूर कैल्शियम। क्या करने का? इसका कोरपट का पत्ता तोड़ने का, काटने, जैसे ही काटेंगे ना उसमें से रस निकलता है, ऐसे करके लटकाओ, तब 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 रस निकलता है, उसका ऊपर से पाना छील लो तो और जाती रस निकलता है, उसको पीस लो तो सारा रस निकला, ये रस बाल में लगाने का। तो इसके 3 लाभ है, एक तो थोड़ा खत्म, माने डैंड्रफ बिल्कुल खत्म, बाल बहुत मजबूत और बाल एकदम काले, और ये ओर पर जो है ना इसका रस डोके को बहुत ठंडा लगता है, तो डोके का दर्द भी मिटा देता है अगर बाल में लगाओ। ये घर में होगा, बाजार से खरीद के लाएंगे तो बहुत महंगा, 300 रुपए 400 रुपए लीटर,
घर में लगाना, तोड़ फोड़ तो लग जाता है, मुफ्त में आता है, इसीलिए घर से थोड़ा काट के लाओ लगा दो, और गमले में लग जाता है, बड़ा स्थान नहीं चाहिए, तो इसको रखिए घर में। तोड़ फोड़ बहुत अच्छा है बालों के लिए, और मैं बाद में बताऊंगा बहुत काम में आएगा, बालों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको भी 8 दिन में एक बार ही वापरना जाते हैं। अब ऐसा आप कुछ नियम बनाओ, 8 दिन में एक बार मेहंदी वापरना, 8 दिन में एक बार फोरपट का रस वापरना, 8 दिन में एक बार नींबू के रस में चक्कर लगा के वापरना, ऐसे करके एक साइकिल बना लो हर 8 दिन में, तो केस आपके बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, तो सिर में कुछ बांध के सो जाना, सुगर धो लेना, ठीक है। ये बाल जो जिगजैग होते हैं, राउंड होते हैं, उनको सीधा करने के लिए उनको सीधा मत करिए, जैसे है करने, क्योंकि भगवान ने तो सोच के बनाया है, उसको बदलिए। भगवान की बनाई हुई कुछ लोगों की प्रतिकृति ऐसी है जिनके बाल ऐसे गोल गोल होते हैं, उसको बदलने की कोशिश मत करिए, जैसे है वैसे रहिए। आगे चले या और कोई प्रश्न है? हाँ चलेगा, तिल का तेल खाने का नहीं लगाने का, खाएंगे तो उष्णता बढ़ेगी, लगाने का नहीं। जी मुझे माइक से बोलो आप। हाँ, एक बाल में दूसरा बाल आता है, ये क्यों होता है? देखिए अगर किसी के भी शरीर में बात नहीं घूम कर आएगी, कैल्शियम बहुत कम हो गया, आयरन बहुत कम हो गया, रक्त बहुत कम हो गया, तो उनके एक बाल में दो बाल ऐसा होगा। तो इसको क्या करना है, एक ही उपाय है, खान पान अच्छा कर दीजिए, दो बाल नहीं होंगे, स्प्लिट नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, एक बाल में दो बाल नहीं है। जी और ये सिल्वर नाइट्रेट आंखों की सबसे खतरनाक केमिकल मान जाता है, एक फिल्म भी आंख में चला गया, एक तो जिंदगी भर के लिए आपके लिए। पेट्रोल खत्म क्या? नहीं, लाइट आ गई, लाइट आ गई। हाँ, आती जाती रहती है। हाँ, हेयर डाई की बात आएगी, हेयर डाई जो बनता है वो एक केमिकल से, उसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, ये केमिकल इतना खराब है कि एक फ्रेम भी आंख में गिर जाए तो जीवन पर्यंत आंख चली जाए, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कभी भी हेयर डाई नहीं करता। कितनी भी अच्छी कंपनी की है, वो गोदरेज की रहे या हिंदुस्तान लीवर की, हेयर डाई सब एक ही जैसी केमिकल है, बाल तो जब ही रहेंगे आंख भी चली जाएगी। काली मेहंदी, काली मेहंदी मारे अगर आपके घर में है पत्ते के रूप में तो बहुत अच्छा है, बाजार से बनी हुई अच्छी मेहंदी, आप घर में मेहंदी का पेड़ लगाओ, झाड़ लगाओ, उस पर से मेहंदी के पत्ते तोड़कर चटनी बनाकर उसको खाओ। आगे बढ़े या और कोई प्रश्न? आगे बढ़े, अभी लोग उतना हो गया, एज गलने का हो गया, पांचवें टेज का हो गया, डैंड्रफ का हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं, आंखों पे आ जाते हैं, 1% नीचे। हाँ, वो खोबरे का तेल आता है ना बाजार से, यूज वाला, उसका पास आता है, खराब बात आती है, थोड़ा जिंदा रहेगी तो खोबरे का तेल। हाँ, खोबरे का तेल अगर शुद्ध करने के लिए तो बात आने वाली, और तेल की बात उसका सद्गुण है, दुर्गुण नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि उस बात को खत्म करने के लिए जो केमिकल डाले जाते हैं वो केमिकल खतरनाक, इसलिए बात वाला तेल ही अच्छा है, बात से घबराने का नहीं। अभी आंखों के जोड़े के पास, आंखों की समस्या सबसे ज्यादा आजकल क्या है, मैं देखता हूं कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को चश्मे हैं, ये सबसे बड़ा त्रास, रोशनी कम हो गई, नजदीक का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता, इसके लिए चाहिए होगा।
बीमारी बीमारी होती बाल जाते हैं। जिनको बीच में कोई बाल निकल गए हैं और आजू बाजू में बाल है उसकी सबसे अच्छी ऑप्शन है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना एलोवेरा रस, कोरपट का रस, कोरपट का रस जहाँ से बाल चले गए वहाँ मालिश करिए, एक तास दो तास के बाद उसको पानी से धो दीजिए तो नए बाल आ जाएंगे। और इसका एक उपाय है देसी गाय का मूत्र वहाँ पर मालिश करिए जहाँ चारी पड़ गए और एक तास के बाद फिर पानी से धोइए तो नए बाल आ जाएंगे। और तीसरा उपाय है आंवला खाइए तो भी बाल। अभी आंखों की तकलीफ पर हम बात करेंगे। जी पुरुषांच्या वयोमानानुसार केस गाळले तर परत येत नाहीत आणि महिलांचे मात्र काय मिळत राहतो खरंय बिलकुल सही बात है। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में बहुत कमी है, पुरुषों के शरीर में कमी, भगवान ने पुरुषों को बहुत सारी चीजें कम दी है उनमें से एक है मिलेनियम। पुरुषों का मिलेनियम स्त्रियों की तुलना में हमेशा कम रहता है और पुरुषों का मिलेनियम स्त्रियों की तुलना में जल्दी समाप्त भी होता है, इसलिए हमेशा पुरुष ज्यादा टक्कर होते हैं स्त्रियों की तुलना में। तो ये प्रकृति का ऐसा कुछ नियम है। तो अब वो है तो है, उसको स्वीकार करना ही ठीक है, उसमें कोई औषध नहीं है उपचार नहीं, क्योंकि वो बॉडी में है ही नहीं मिलेनियम, और मिलेनियम आप पैदा नहीं कर सकते, जो है उसको बढ़ा सकते हैं लेकिन पैदा नहीं कर सकते क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ है, आप बाहर से इंजेक्शन के द्वारा नहीं डाल सकते। तो ये ऐसी स्थिति है, स्त्रियों में मिलेनियम ज्यादा है ही पुरुषों में कम है, इसलिए स्त्रियों के बाल ज्यादा समय तक ठीक रहते हैं, पुरुषों के बाल जल्दी समाप्त होते हैं।